एयरफोर्स की टीम नई दिल्ली से और शानदार परेड करते हुए मंच की ओर बढ़ रही है। एयरफोर्स शो सार्जेंट राजदीप सिंह ने इस टीम को उच्च स्तरीय दर्जे तक लाने के लिए कठिन एवं अथक परिश्रम किया है। नमस्कार दोस्तों, केडीएस राजस्थान में स्वागत है। मैं नागेश कुमार कौशिक इस वक्त जैसलमेर में मौजूद हैं और अब शानदार शो वायुसेना का और राइफल शो शुरू हो रहा है। बस विभिन्न तरीकों में दिखाएगी। टीम का आदर्श वाक्य है ड्रिल टू थ्रिल। अब टीम लीडर हमारे मुख्य अतिथि से कवायद शुरू करने की आज्ञा लेने जा रहे हैं और टीम आपको रोमांचित करने के लिए तैयार है। इस टीम की पहली फॉर्मेशन है वी फॉर्मेशन। अब टीम यहां से आगे बढ़कर अपनी कवायद क्षमता को आपके नजदीक आकर प्रदर्शित करेगी। हमें यहाँ पर इन वायु योद्धाओं की मानसिक एवं शारीरिक क्षमता के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस राइफल का वजन 5.5 किलो है वह इनके हाथों में खिलौनों के समान प्रतीत हो रही है। योद्धा दूसरी फॉर्मेशन बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है अल्टरनेट लाइन फॉर्मेशन। इस बीच लीडिंग एयरक्राफ्टमैन प्रियांशु दीक्षित हमारे समक्ष अकेले ही अग्रिम श्रेणी की राइफल कवायद का प्रदर्शन करेंगे, जो इनकी एकाग्रता एवं शारीरिक क्षमता का प्रतीक है। अब टीम प्लस फॉर्मेशन बनाकर पीछे जाएगी और वायु योद्धा अपनी और अपने साथियों की ड्रिल पर अटूट विश्वास का प्रदर्शन करेंगे। देवियों और सज्जनों, अगली फॉर्मेशन का नाम है एरो हेड फॉर्मेशन। आप देखिए अब तक की सबसे कठिन प्रक्रिया, जिसमें वायु योद्धा बिना देखे ही राइफल को अपने पीछे चल रहे साथी की ओर फेंकेंगे। अगली फॉर्मेशन है इंक्लाइंड लाइन फॉर्मेशन। इसमें वायु योद्धा एक ही कतार में चलते हुए अद्भुत ड्रिल का प्रदर्शन करेंगे।
अनुशासन और प्रशिक्षण की तीव्रता का प्रतीक है। यह वर्दी में गर्व की भावना को इंगित करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कवायद और अनुशासन वायुसेना की जीवन शैली है। नजरों को एक क्षण के लिए भी राइफल से ना हटाएं। अब आप देखिए कितने जादुई अंदाज से ये एक दूसरे को राइफल पास करेंगे। और एक बार फिर से उन लोगों के लिए जो ये अनोखा अंदाज नहीं देख पाए थे। एयरक्राफ्ट रूपरेखा में आगे बढ़ेगी, अपनी कवायद क्षमता को चार चार के समूह में प्रस्तुत करेगी। और एक बार फिर से हमारे बीच आ चुके हैं लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन प्रियांशु दीक्षित अपने बेहतरीन राइफल करतबों के साथ। देवियों और सज्जनों, अब टीम पीछे जाकर स्क्वायर फॉर्मेशन बनाएगी और जिगजैग फॉर्मेशन में अद्भुत कवायद का प्रदर्शन करेगी। टीम अब आगे आपके सामने दो कतार में प्रदर्शन करेगी ताकि आप उसे निकट से देख सकें। देवियों और सज्जनों, जब तक आप कवायद देख रहे हैं मैं आपको अपनी टीम से परिचित कराता हूं। आज के टीम लीडर हैं लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन रवि कुमार।
पहली पंक्ति में बाएं से दाएं खड़े हैं लीडिंग ए क्राफ्टमैन अभिषेक, विजय तेवतिया, वासु राणा, पंकज कुमार, साहिल सिंह, जय सिंह, अक्षय धनकर और एलएसी साहिल जून। दूसरी पंक्ति में बाएं से दाहिने खड़े हैं लीडिंग एयरक्राफ्टमैन आकाश सिंह, सुब्रतो मंडल, भूपेंद्र बघेल, अमित विक्रम, सत्यम चौबे, सोनू, सौरभ लोधी और लीडिंग एयरक्राफ्टमैन अनीश कुमार। ड्रिल के संगीत को संयोजित किया है विंग कमांडर जयचंद्रन बीएसएम सेवानिवृत्त ने। देवी और सज्जनों, टीम अब अपनी अंतिम और सबसे कठिन फॉर्मेशन बनाने जा रही है जो कि टनल फॉर्मेशन है। सज्जनों, अब टीम लीडर अपने साथियों की कवायद क्षमता और योग्यता की परीक्षा लेते हुए आज का सबसे रोमांचक कर्तव्य। यह कठिन परिश्रम बेहतरीन मानसिक एवं शारीरिक तालमेल तथा अपनी एवं अपने साथियों की योग्यता पर विश्वास का प्रतीक है। बेहद खूबसूरत, बेहद रोमांचक स्टैंडिंग ओवेशन इन सभी जवानों के लिए। खड़े होकर के जोरदार तालियां बजाएं। पूरा का पूरा स्टेडियम कदम कदम बढ़ाए जा, गीत खुशी के गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम से लुटाए जा। ये अद्भुत नजारा जिला कलेक्टर साहिबा डॉक्टर प्रतिभा सिंह और सभी मौजूद यहाँ स्टेडियम के लोग अपने जवानों पर नाच करते हैं। कह दो आसमान से कि थोड़ा और ऊंचा हो जाए, कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। Wasn't I absolutely right, people, when I said these boys are exceptional? Air Force के जवानों से परिचय लिया जा रहा है जिला कलेक्टर प्रतिभा सिंह के द्वारा, जिन्होंने भी शानदार प्रदर्शन किया, शानदार राइफल शो से सबका दिल जीता।